हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पूनम कुकरी क्लासेस। आज हम विप क्रीम बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं विप क्रीम को हमें कैसे बनाना है। ये एक डेयरी प्रोडक्ट होता है, ये मैंने हैवी क्रीम ली है 1 कप। बीट करेंगे हम, जब इस क्रीम को बीट करना स्टार्ट करेंगे तो हमें सबसे पहले इसकी स्पीड कम से स्टार्ट करनी है, फिर जैसे जैसे धीरे धीरे बीट करेंगे वैसे वैसे हमें इसकी स्पीड बढ़ानी होगी। आप एकदम स्टार्टिंग में तेज स्पीड पर बीट मत करना, पहले हम स्टार्टिंग में कम स्पीड से ही बीट करेंगे। जब भी हम ये विप क्रीम बीट करेंगे तो हम इसके लिए जो भी हैवी क्रीम आप लोगे तो उसको हमें चिल्ड ही लेना है, और चिल्ड को ही हमें बीट करना है। वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे नहीं होनी चाहिए, एकदम चिल्ड होनी चाहिए, तभी वो आपकी एकदम अच्छे से बीट होगी और विप क्रीम आपकी तैयार होगी। और जैसे ही हम इस क्रीम को बीट करना स्टार्ट करेंगे, जैसे जैसे ये बीट होगी वैसे ही ये अपने आप धीरे धीरे थिक एंड फ्लफी होती रहेगी। हम इसके अंदर 1 टीस्पून वनीला एसेंस भी ऐड कर रहे हैं ताकि इससे उसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। जैसे जैसे हमारी ये क्रीम अच्छे से बीट हो जाएगी, एकदम ये डबल साइज़ में आ जाएगी, और उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी क्रीम जो अच्छे से बीट होने लगी है। अब देख सकते हैं आप इसके अंदर, ये देखिए इसमें हमारे पीक्स आने स्टार्ट हो गए हैं। जैसे ही हमारे ये पीक्स जो हैं स्टिफ होने स्टार्ट हो जाएंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी आइसिंग के लिए परफेक्ट हो चुकी है क्रीम। उसके बाद आप इसको बीट मत करना, नहीं तो ये ओवर बीट हो जाएगी। ये देखिए ये हमारी क्रीम जो है अच्छे से बेब हो गई है। ये हमारी केक में फ्रॉस्टिंग के लिए या कप केक के लिए या फ्रूट सैलेड में, आप किसी भी चीज़ में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्रीम आपको घर में बनाना, ये क्रीम हमारी घर में बनानी बहुत ही ईजी है। आपने देखा कि ये कितनी ईजी तरीके से हमने बनाई है, तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मेरी रेसिपी को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे जल्दी दूसरी रेसिपी के साथ मिलूँगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।